what it takes to make you fall in love with me. Am I the real deal or just another one of those who fake it? Maybe I don't. You guys won't believe what just happened right now. So as you know, मतलब मैंने अभी तक वीडियो बनाया नहीं, काम चालू है, आई विल शो यू कहा गया। अरे निकल भाई, देखो ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट पे अभी भी काम चालू है। दिस इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ माय R3 रिवील वीडियो। हाँ, ये मराठी में आई एम मेकिंग दिस ब्लॉग इन हिंदी इंग्लिश कॉम्बो, जिसके लिए सबको समझ पाए। बट आई जस्ट गॉट अ कॉल, बता रहा एक मिनट, एंड फ्रॉम यामा। मैं इन दिन तक पूछ रहा था कि मेरे को गाड़ी कब मिलेगा, कैसा मिलेगा सब है। आई जस्ट गॉट अ कंफर्मेशन दैट माई व्हीकल इज हियर। दिस इज माई R3, दिस इज माई क्रेट ऑफ माई R3 एंड आई हैव टू गो देयर बाय 3 o'clock। सो बेबी है अपने आधा घंटा, लेट्स सो नाउ वी आर रेडी टू गो। और मैंने ऐसा पीछे हेलमेट बांध के रखा है बैक पे। अभी हम है ऑटो के अंदर, अभी हमें ऑटो के बाहर, एंड दैट इज द शोरूम। और वो है मेरे R3 का क्रेट, जैसे कि आप देख ही सकते हो। Looks damn beautiful, bro. Yes. Damn, I'm so excited. मेरे मुँह से शब्द नहीं निकल रहे बोलने के लिए। फिलहाल आप देख ही सकते हैं कि अब हम जो बॉक्स है वो पूरा ओपन कर रहे हैं, PDI वगैरह करेंगे। डिलीवरी अभी नहीं रहेगा, डिलीवरी एक दो दिन में करेंगे। आज उसका पूरा PDI है एंड ट्रेड ओपनिंग है। तो So basically bike कहाँ से आया अभी? इंडोनेशिया से आया, माया चेन्नई। क्रेट के जो था पेपर लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ था फ्रॉम इंडोनेशिया टू चेन्नई। तो दिस मेरा शोरूम इन चेंबूर। एंड व्हाट वाज द टाइमलाइन गिवन, और कब 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 कभी बाइक आया और किधर से आया, वो सब प्रॉपरली बता। 20 दिन दिया था, 10 दिन में गाड़ी आया। ऑल थैंक्स टू दिस गाय, और सच अ सीमलेस डिलीवरी एंड सच अ हैप्पी डिलीवरी पॉसिबल। Thank you very much for the whole team, actually, for such an amazing delivery experience. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for this again. These are the
ease to this beautiful machine over here. We get Dunlop, which we don't have in India, but Dunlop का टायर मिलता है. और then what? Aluminium mirrors. Key मेरे जेब में फिलहाल. Damn, this looks so beautiful, man. We don't get the golden fork in India. I don't know why, but I think so we should have. There's the radiator. वहाँ पे पूरा protection करके रखा है. यहाँ पे भी है, इधर भी है. Even get the protection over here from the transportation. यहाँ पे भी पीछे है. Damn, dude. तो अभी हम इसमें battery fit कर रहे हैं. कहाँ होता है मेरे को भी idea नहीं है, to be honest. रियर सीट में क्या मिलता है यार, जैसे ये अपना टूल्स एंड वगैरह है. आई डोंट नो व्हाट इज दिस. दिस इज द ओबीडी स्कैनर. बैटरी एकदम डेलिकेट जागेवर आहे. एकदम खराब आहे. So how are you feeling? One of your best friend is owning R3. वो तो feeling out of the world ही रहता है. And वो क्या बोलते हैं, CBU वाले bikes के साथ आया है, तो that is completely a new feeling. And हम लोग ने बचपन में छोटे जो Hot Wheels और दूसरे bikes का gift wrapping वो सब निकाला. आज तो एक बड़ा bike का properly unboxing किया वो सब किया. So and दूसरे showroom सबके सबके मुँह में दिख रहा है कि this is one of a time सिचुएशन ही बोल सकते हैं. वन ऑफ अ टाइम मूवमेंट फॉर एवरी वन, दैट इज़ गुड. एंड ब्लैक में तो ब्लैक ब्यूटी सही लग रही है. एंड अपग्रेडिंग फ्रॉम अ क्लासिक 350 टू एन R3, सो है ना. डिड ही डू अ मिस्टेक? नो, ही डिडंट. इसका वारंटी वगैरह सब ओके. नंबर प्लेट का कीड़ा चाहे वो सब है. ओके ओके. तो जैसा अभी आपने देखा कि हमने अनबॉक्सिंग किया, उसका सब एक्सेसरीज वगैरह देखा, क्या क्या पार्ट्स मिलता है सब देखा. एंड देन पूरा अनरैपिंग भी किया, स्टार्ट करके भी देखा. तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बाकी है वो है उसको घर पे लेके आने का. उसके अलावा 2-3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ RTO बाकी है, इंश्योरेंस बाकी है, PDI बाकी है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तब तक के लिए बाय.